कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। भारतीय सेना में अहिर यादव रेजिमेंट के गठन के संबंध में वीर अहिर निर्माण सेना के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार यादव ने प्राची होटल में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि यदुवंशियों का इतिहास हमेशा स्वर्णपूर्ण रहा है और यादव हमेशा राष्ट्रीय हित में देश आजादी से पूर्ण एवं आजादी के बाद विपदा आई तब तक अपने अदम्य साहस शौर्य का परिचय देते हुए देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राण नौछावर किए। जब जब भी आतंकियों ने भारत की भूमि पर बुरी नजर डाली तब तब अहिर यादव समाज ने वीरों ने आगे बढ़कर उनका मुकाबला किया। वीर अहिर सेना में प्रदेश अध्यक्ष, आपको यह बताना चाहूंगा कि अहिर निर्माण सेना के द्वारा वर्षों से ज्ञापन दिए जा रहे हैं लेकिन अभी तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। आज भी हम भांडेर में ज्ञापन देंगे। अपनी मांगों को लेकर हम सभी प्रदेश भर में यादव समाज को जागरूक करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो सब्र मध्य प्रदेश के यादव समाज के संगठन गठित कर आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश शासन की होगी। इसी दौरान केपी यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रिंस यादव, छात्र प्रकोष्ठ अध्यक्ष अरुण यादव, जिला महासचिव राघवेंद्र यादव, प्रदेश सचिव राजेश यादव, निवाड़ी अध्यक्ष आनंद यादव, जिला मीडिया प्रभारी, अन्य वीर अहिर सेना पदाधिकारी कार्यकर्ता रहे उपस्थित। और क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार यादव ने, देखिए दतिया से रजनी लिटोरिया की यह रिपोर्ट। हम बरसों से जो है अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर के बरसों से ज्ञापन दे रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं लेकिन अभी तक हमारा रेजिमेंट नहीं बनाया गया है। कई बार हमने सरकारों को ज्ञापन दिए, आवेदन दिए, रेजिमेंट नहीं बना। और हम लोग क्या है, यादव समाज एक वीर कौम है। जब मैं पुराना इतिहास बताना चाहता हूँ आप सभी को कि रेजांगला में एक युद्ध हुआ था 18 नवंबर 1962 को, उसमें यादव समाज के 120 अहिर सैनिक थे और 120 सैनिकों ने रेजांगला में जो है चीन के 3000 सैनिकों को जो है युद्ध हराया था और रेजांगला की चौकी को बचाया था। उस दौरान 14 सैनिकों को मौत के घाट उतारा था और 1600 जो सैनिक है उनको घायल कर दिया था और जो रेजांगली चौकी है उसको हमने कब्जा होने से बचा लिया था। इसके बावजूद भी चाहे वो कारगिल की लड़ाई हो, चाहे वो आपका 2000 की लड़ाई हो, चाहे वो अक्षरधाम के मंदिर को बचाने की लड़ाई हो, चाहे 1965 की लड़ाई हो, इस तरह से देश में जो महत्वपूर्ण जो लड़ाई रहती है, जो देश को सीमाओं पर लड़ाई रहती है या देश को बचाने के लिए होती है, देश प्रेम की भावना से उत्प्रेरित होकर के जो है यादव समाज लगातार देश की रक्षा करती है, सुरक्षा करती है। इसके बावजूद भी सरकारों के द्वारा जो है हमारा अहिर रेजिमेंट नहीं बनाया जाता है, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का हमारा पूरे प्रदेश में एक जागरूकता अभियान चला रहा है, पूरे देश में फैला रहा है। हम यादव समाज 27 करोड़ है और वीर कौम है, इसके बावजूद भी हमारा जो रेजिमेंट नहीं बनाया जा रहा है उसके लिए लगातार दे दिया है। अभी मैं हम सब लोग साथ में मिलकर के पूरा प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, अहिर रेजिमेंट को लेकर के ज्ञापन दे रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, यादव समाज को जागरूक कर रहे हैं। इसके बाद अगर हमारा अहिर रेजिमेंट नहीं बनता है, अभी हम मांग कर रहे हैं, तो इसके बाद में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और आंदोलन के बाद जो भी होगा वो सरकार की जिम्मेदारी होगी, प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।